सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, उसके अंदर अगर ज़रा सा भी कोरोना वायरस वाली कैफियत अगर इन तक पहुँचे तो मामला इनकी सेहत का ज़्यादा ख़राब होगा। लिहाजा मैं ये एहतियात कर इसलिए मैंने की। मैं मशकूर हूँ आईजी पुलिस का, बैतुल माल का और सुंदस फाउंडेशन, जो तीनों मिलकर आज पुलिस से जो डोनर्स आए हैं मैं उनका भी मशकूर हूँ, और सुंदस फाउंडेशन जो इस यहाँ के इस इदारे को चलाती है, और बैतुल माल का भी कि थैलेसीमिया के बच्चों का वो निगहदाश्त करते हैं और इसके अंदर मदद करते हैं। मगर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पिछले कई दिनों से, तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते से मुझे ये फिक्र हो रही थी कि ये बच्चे जिनको ब्लड डोनेशन पर इनकी ज़िंदगियां कायम है, अगर इनको ब्लड डोनेशन नहीं हो तो ये जान से जाएंगे। तो लिहाजा इस ज़माने के अंदर जब ट्रांसपोर्ट भी महदूद हो गई, जब यूनिवर्सिटी के बच्चे और स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए, तो इनको ब्लड डोनेशन का क्या हो रहा होगा। तो इसका अंदाज़ा होते ही मैंने इसकी हेल्थ मिनिस्टर सिंध से भी बात की, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से भी बात की, इनसे ऑन से भी बात की, और इस बात का कहा कि भाई डोनर्स की तलाश हो। और पाकिस्तान के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे ही डोनर्स की कमी रहती है, तो लिहाजा इस ज़माने के अंदर जो लोग खून का अतिया दिया करते थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने अतियों का एहतमाम रखें, और उसके साथ साथ जो तलबा तालिब इल्म ख़ास तौर पर नौजवान होता है, हमारी उम्र में हमसे लेने के लिए ये अतिया तैयार नहीं होते, वरना ज़िंदगी भर में हर महीने ज़रूर कोई ना कोई खून के हवाले से महीने दो महीने में अतिया दिया करता था। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरे ये कि यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र किया गया कि ये बच्चे दूर दूर से आते हैं, ये इस्लामाबाद के सिर्फ नहीं है, कोई मर्दान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से एक मज़ीद परेशानी है कि इनको स्पॉन्सर कौन करेगा, तो उसका भी हमने गुफ्तगू की, उसका एहतमाम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अहम पैगाम है अतियात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जब सेहत का क्राइसिस और कोरोना वायरस का क्राइसिस पाकिस्तान में है, तो मज़ीद दोबारा याद दहानी के लिए कि एक दूसरे से फासला रखें। इसकी वायरल डोजेज का भी एक इशू है कि जो ज़्यादा एक्सपोज होगा उसको ज़्यादा सख्त बीमारी का इम्कान है। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी अंदाज से पाकिस्तान इससे जल्दी निकलेगा, मुझे यकीन है इस बात का, और इसके अंदर इम्कान इस बात का है कि हमारी अपनी कुछ रेजिस्टेंसेस हों तो अल्लाह उन रेजिस्टेंसेस को बढ़ाए, ताकि कोरोना वायरस के मामले के अंदर हम इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। शुक्रिया।